हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एक पानी की टंकी है जिसका आधार 10 मीटर और ये 20 मीटर है ऊंचाई, ठीक है। और इसको अपन को पाइप के सहायता से इसको भर रहे हैं। अब हमारे को पूछा है कि ये 4 मीटर तक भरने में ये पानी की टंकी जो है वो कितना टाइम लेगी, ठीक है, कितना टाइम लेगी। तो इसको हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये चौकोर आकार की टंकी है, ठीक है। ये पानी का पाइप है और पानी का पाइप भी कैसा है, चौकोर है, ठीक है, चतुर्भुज आकार का इस तरीके से। और इसका जो ये है आपका, इसकी जो शेप है, मतलब ये है 2 मीटर चौकोर है और ये 1 मीटर, ठीक है। अब ये है पानी, पाइप का पानी ऐसे इसमें भर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि ये पानी का पाइप, जो पानी है ये 4 मीटर तक इसका मतलब भरने पे कितना टाइम लेगा, आपको मिनट में निकालना है, ठीक है। तो पाइप पानी का आपका चौकोर है, चतुर्भुज है, और एक एक बाय दो मीट 2 मीटर की इसकी डायमेंशन है इस पानी के पाइप की, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, पानी की टंकी 4 मिनट तक भर जाए इतने कितना समय लगेगा, मिनट में बताना है। तो देखिए, तो सबसे पहले पानी की टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि है ना, ये आयतन देखो क्या निकालना है, पहले आयतन निकालेंगे इसका, कितना पानी है 4 मीटर तक, और फिर हम इसका पर मिनट यहाँ पे कितना पानी का आयतन रहेगा पाइप में, ठीक है। तो पर मिनट ये निकलेगा, इसका आयतन हम फिर क्या करेंगे, इसको हर में रख के इसको इस आयतन को अंश में रख के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए, तो पानी की टंकी का आयतन सबसे पहले निकालेंगे, कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, 4 × 10 × 20, ठीक है। तो ये 800 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर क्या निकालना है, अब देखो, अब ये गति किस में दी हुई है, ये देखो पानी की गति पाइप में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, मिनट में पूछा है, मिनट में टंकी कितने मिनट में भरेगी, तो हमको मिनट में बदलना पड़ेगा पहले। तो देखो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। हमको निकालना है सबसे पहले एक मिनट में पानी, पानी के पाइप में मतलब पानी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, मतलब एक दूरी निकालना है सबसे पहले। तो दूरी कैसे निकालेंगे, समय गुणित चाल, समय कितना लग रहा है, देखो चाल कितनी है पहले, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल लिख दी। और फिर समय मतलब आपका, समय मतलब क्या हुआ, चाल हो गई, अब समय, समय मतलब हो गया 1000/60, क्योंकि हमको मीटर में निकालना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर/60, मतलब ये पहले तो ये किलोमीटर को मीटर में बदला और ये घंटे को मिनट में बदला, ठीक है, 1000/60 ये मीटर। तो ये क्या हुआ, एक मिनट में पाइप में पानी की लंबाई हुई, ठीक है, इस पाइप के पानी में एक मिनट में एक जो पानी का हिस्सा है वो एक मिनट में कितना मतलब वो ट्रेवल कर जाता है, ठीक है, लंबाई हो जाती बेसिकली, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये कितना आया अपना, 200/3 मीटर, ठीक है, 200/3 मीटर वो जो पानी का हिस्सा है वो उतने टाइम मतलब उतनी लेंथ में रहता है पाइप में। अब पूछा है प्रति मिनट या पर मिनट पानी, अब हमने ये तो लंबाई निकल गई कि पानी कितना है इतने टाइम पे, ठीक है, इतना एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, जैसे आपका ये पाइप है तो इस इतने पर्टिकुलर सेक्शन पे जो इतना पानी का जो भाग है वो इतना स्थान पे रखा हुआ है, ठीक है, ये वही लेंथ है 200/3, यही 200/3 है, ठीक है। फिर पानी का दूसरा ब्लॉक होगा, फिर पानी का ये ऐसा ब्लॉक्स बने हुए, तो हम ब्लॉक लेके चल रहे हैं, है ना। तो ये हो गया, अब हमको इसमें क्या निकालना है, ये तो भाई लंबाई निकल आई, अब हमको आयतन निकालना है, ठीक है। तो इतने ही हिस्से का कितना आयतन है, एक मिनट में इतना पानी पाइप रखता है अपने पास, ठीक है, या नीचे पानी गिराता है, तो 1 × 2 × 200/3। अब 200/3 तो आपको समझ में आ गया क्योंकि लंबाई है, तो आयतन के लिए हमको दूसरी दो यूनिट और चाहिए, क्योंकि ये चौकोर आकार का है,
तो इसमें देखिए एक बाय दो का है ना, एक बाय दो का है, तो ये हो गया एक बटे दो गुणे 200/3, तो ये 400/3 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया आपका एक प्रति मिनट पानी का आयतन पाइप में। ठीक है, अब क्या होगा, इसका आयतन हमको पता है, इसका पता है। ठीक है, इस आयतन को भरने में ये आयतन कितना टाइम लेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन बटे ये वाला आयतन। ठीक है, तो ये डिवाइड करोगे तो आपका जब टंकी में पानी 4 मीटर तक पहुंच जाए तो वो समय होगा 800/400/3, मतलब कि 6 मिनट का समय लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।